ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड लिक्विड्स। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लिए, इसमें कुछ इंट्रोडक्टरी हो चुका है ना। ये सब जो है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस है, जितना हैलाइड्स है, जितना नाइट्रेट्स है एंड सल्फेट्स है, इन सबके सब आएगा इस केस में। बस इतना ही रखना है कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि सोडियम और पोटेशियम अगर रहेगा तब तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा ना, इसलिए मेटल के जगह पर सोडियम एंड पोटेशियम, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हैलाइड नाइट्रेट एंड सल्फेट जो है ये इस क्लास में आता है। ठीक है, तो इन जनरल हम लोग अब ये जब हाइड्रोलिसिस होगा इसमें से किसी एक का एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हम लोग ले लेते हैं कॉपर सल्फेट का एग्जांपल, तो इसको जब हम पानी में डालेंगे इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या क्या बनेगा। यहाँ पर बनेगा इसका OH आएगा इसके साथ, ठीक है, प्लस H2SO4। ये क्या है, वीक बेस। ये क्या बन रहा है, वीक बेस, और ये क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, यानी जब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट, वीक बेस जब हाइड्रोलाइज करेगा तो हमको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, वीक बेस मिलेगा और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा। ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा, जैसे कि सॉल्ट यहाँ कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा, उसी तरह ये भी कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा। हाँ, समझ गया। तो हम इन जनरल अगर हम लेते हैं तो इन जनरल हम लोग क्या लेते हैं, सॉल्ट है ना। तो पिछला बार एग्जांपल क्या लिए थे, इन जनरल MX लिए थे ना, इस बार भी हम MX ही लेंगे। ठीक है, MX प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पर वीक बेस बनेगा MOH, ठीक है, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा HX। ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, समझ गया। और ये क्या हो गया, सॉल्ट हो गया, जिसमें कि ये जो M है ये मेटल होगा, M जो है मेटल होगा, एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। M क्या है, मेटल, कोई भी मेटल एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम छोड़ के कोई भी मेटल यहाँ हो सकता है। ठीक है, और ये जो एक्स है वो तीन ही चीज होगा, हैलाइड नाइट्रेट सल्फेट। ये कौन सा होगा, हैलाइड नाइट्रेट एंड सल्फेट, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इधर सोडियम एंड पोटेशियम छोड़ के और इधर हैलाइड नाइट्रेट सल्फेट, बस इतना ही होगा, समझ गए। एग्जांपल दिया हुआ, अब हम लोग इन जनरल इससे बढ़ेंगे तो क्या मिला हमको, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका कंप्लीट आयनाइजेशन होगा, और ये वीक बेस है इसका इनकम्प्लीट आयनाइजेशन होगा। ठीक है, और सॉल्ट का भी कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाएगा। आ गया समझ में, में हम लोग इन जनरल क्या लिए, MS। ठीक है, इसका वाटर से इंटरेक्शन हुआ तो हाइड्रोलिसिस होगा, तो बनेगा M हाइड्रोक्साइड बनेगा और HX बनेगा, ये क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है ना, और ये क्या है, वीक है, आयनाइजेशन है, स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा ना, इसलिए फाइनली ये सॉल्ट क्या होगा, एसिडिक। ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा ये कौन सा होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि क्या बन रहा है, वीक बेस बन रहा है और स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, एसिडिक कैरेक्टर होगा, है ना। इसका मतलब ये जो सॉल्ट है क्या है, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। इसके पहले वाला जो पढ़े थे सॉल्ट वो क्या था, बेसिक इन नेचर, और ये क्या हो गया, एसिडिक इन नेचर।
ये हमारा सॉल्ट है। तो अब जो है इसको हम इसका जो है हाइड्रोलिसिस KH लिख सकते हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट सेम वे में। इसी इक्वेशन को हम लोग फिर से नए तरीके से लिख सकते हैं। ये इसका आयनाइजेशन होगा, ये लिखाएगा N प्लस प्लस Cl माइनस इंटरैक्ट Cl, ठीक है H2O। इसका आयनाइजेशन नहीं होगा, ये अनआयनाइज फॉर्म में रहेगा, वीक बेस है ये, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड रहती है, आयनाइज हो जाएगा H प्लस एंड X माइनस, ठीक है। इसको हम H3O प्लस भी लिख सकते हैं, yes. H प्लस लिखा है ना, तो H3O प्लस, अगर यहाँ H3O प्लस देंगे तो यहाँ 2H2O कर देंगे, अगर यहाँ पर H3O प्लस लिखेंगे तो एक H3O प्लस एक H2O यूज हो गया हाइड्रोनियम आयन बनाने में, एक वाटर यहाँ पड़ा रहेगा। अगर हम यहाँ H3O प्लस लिखेंगे तो यहाँ पर 2H2O कर देंगे, समझ गए? तो कन्फ्यूज नहीं होना, बुक में अगर कहीं लिखे ऐसा तो गलत नहीं है, यहाँ 2H2O रहेगा तो यहाँ H3O प्लस लिखेंगे, ठीक है, क्लियर। तो अब हम लोग फिर से KH लिखेंगे, अब देखो यहाँ पर दोनों तरफ X माइनस, ये कहाँ से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग से आ रहा है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, X माइनस उधर भी इधर भी है ना, ये कहाँ से आ रहा है, वीक से आ रहा है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ये वीक से आ रहा है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एसिड से आ रहा है, ये स्ट्रॉन्ग है, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ऐसे भी दोनों तरफ मैथमेटिकली है तो कैंसिल हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे इधर, एच प्लस एम वाई, यही लिखेंगे, यही ना होगा, yes. तो फिर अगर हम KH निकालेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट तो क्या होगा, एच प्लस वाई, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकल गया है, ठीक है, हाँ? उसके बाद जो है इसको हम स्टडी जो है कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में करेंगे, ये दोनों तो सेम चीज ही है, हम यहाँ पर लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं ना, बाकी सब चीज पिछले बार लिखे थे वैसे ही लिखना है, हाँ? तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, सी इंटू वन माइनस एच, ठीक है ना, ये हो गया था सी एच, ये भी था सी एच, है ना, क्लियर, ये वही ना हो गया सी वन माइनस एच होगा इसका कॉन्सेंट्रेशन, और ये सी एच हो गया, ये सी एच हो गया, इसके कॉन्सेंट्रेशन का हम लिख सकते हैं सी एच इंटू सी एच, सी एच इंटू सी एच हुआ, ये सी एच ही है ना कॉन्सेंट्रेशन, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन सी एच ही होगा, एच एक्स का जितना रहेगा उतने ना एच प्लस का रहेगा, समझ में आया कि नहीं। उसके बाद एम प्लस कितना है, एम एक्स का जितना रहेगा उतना ही ना एम प्लस का होगा, क्योंकि एम प्लस इसी से आया है, एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सी एच इसलिए होगा क्योंकि सी एच आया कि एच प्लस आया कहाँ से, एच एक्स से, उसका कॉन्सेंट्रेशन सी एच है, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन सी एच ही होगा, और एम प्लस का हो जाएगा सी इंटू वन माइनस एच, ठीक है, तो सी सी कैंसल हो गया, तो हमको क्या मिला सी एच स्क्वायर बाय वन माइनस एच, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या है, एच इज मच मच लेस देन वन, ठीक है ना, एच जो है बहुत ही कम है, देयरफोर वन माइनस एच मे बी कंसीडर्ड एज वन, ठीक है, देयरफोर के एच इक्वल टू सी एच स्क्वायर हो गया बाय वन, है ना, सी एच स्क्वायर हो, ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, एच स्क्वायर इक्वल टू के एच अपॉन सी, और एच इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के एच बाय सी, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकल गया ना, ये एक तुम्हारा एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, एक एक्सप्रेशन ये हो गया, ठीक है, क्लियर। अब जो है ये इसको यूज करेंगे, इसको मिटा देते हैं, अब देखो इसमें ये तो वीक है ना, हाँ, इसका ये भी हल्का हाइड्रोलिसिस तो होगा ही, इसका इसी का ना हाइड्रोलिसिस होगा, ये आयनाइज नहीं करेगा लेकिन हाइड्रोलिसिस तो इसका होगा, पानी में जाने का, पानी में ही बना है, तो इससे हमको क्या निकलेगा, के बी निकल जाएगा, बेस है ना, हाँ, यस, तो हम लिखेंगे तो अब ये क्या क्या बनेगा, हाइड्रोलिसिस जब होगा तो क्या क्या बनेगा, बोलो, हाइड्रोलिसिस होगा तो ये बनेगा एम प्लस ओ एच माइनस, और ठीक है, तो हम निकालेंगे इसका के बी, बेस है ना, के बी क्या निकलेगा, एम प्लस ओ एच माइनस बाय एम ओ एच, टू ओ तो इसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है, आया समझ में। अब जो है इससे पहले हम लोग के एच निकाल चुके हैं, तो के बी निकल गया, तो के एच और के बी का हम रिलेशन निकाल सकते हैं, हाँ, अब हम लोग करेंगे के एच इंटू के बी, ठीक है, के एच इंटू के बी, तो के एच इंटू के बी, के एच का क्या आया था वैल्यू, बोलो, के एच का क्या निकाले थे एनालाइजेशन में, के एच का होगा एम ओ एच एच प्लस, यही था ना, बाय एम प्लस, यही था ना, और के वी यहां सामने है, ठीक है, दोनों का वैल्यू पुट कर दिए, ये एम प्लस कैंसिल हो गया, एम ओ एच कैंसिल हो गया, क्या क्या बचा, एच प्लस बचा, और क्या बचा, ओ एच माइनस, एच प्लस और ओ एच माइनस, इसका क्या फॉर्म हुआ, के डब्ल्यू, यही ना, एच प्लस इंटू एच माइनस क्या होता है, के डब्ल्यू होता है ना, हाँ, टीका है उसका, हैं, हाथ पैर निकालो, इसलिए अभी तक पढ़ा नहीं है ना कभी, इसलिए अभी तक तुमको बैलेंसेस समझ नहीं आता क्या लिखते हैं, ध्यान से पढ़ेगा तो मैसेज सब तुम सोते रहते, ठीक है, तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन मिल गया, के एच इंटू के बी इक्वल टू के डब्ल्यू, के एच इक्वल टू क्या होगा, के डब्ल्यू बाय
एक एक्सप्रेशन ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। इसका वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, इस वैल्यू से एक नया एक्सप्रेशन आ जाएगा फिर kh का, ठीक है। अब क्या होगा, h इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ kh, kh का वैल्यू क्या है, kw अपॉन kb बाय c, ठीक है। और क्या लिखेंगे हम, h इक्वल टू kw बाय kb इंटू c, लिख सकते हैं ना। ये तुम्हारा एक नया एक्सप्रेशन आ गया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का एक एक्सप्रेशन ये हो गया, दूसरा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का ये एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। आया सुन में क्लियर, तो दो दो एक्सप्रेशन मिल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, पीएच निकालेंगे, है ना। अब हम लोग पीएच निकालेंगे, पीएच निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पता करेंगे कि कितना है, तभी ना होगा। अभी देखो यही है ना हाइड्रोलिसिस वाला, यही एच एक्स है, यही एच प्लस हमको मिलेगा, एसिडिक होता है ना ये, यही देगा एच प्लस, ये एच एक्स है। तो अभी इसी का एक और हम इक्वेशन लिखे थे ना, क्वेश्चन लिखे थे, इसका क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन सी एच, ये भी सी एच, और ये हो जाएगा वन माइनस एच, यही ना है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, यही होगा। तो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन यही ना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच थ्री ओ प्लस, इसके ऊपर हम एच प्लस भी लिख सकते हैं, कितना है सी एच, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, C और H का वैल्यू अभी कितना निकल गया, रूट के एच बाय सी, फिर और वैल्यू बिठाया था ना, और वैल्यू बिठा के एक बार लाए थे फॉर्मूला यहाँ पर, के डब्ल्यू बाय के बी इंटू सी, के डब्ल्यू बाय के बी इंटू सी, के बी इंटू सी, यही है ना। तो ये हो जाएगा, यहाँ ये ऊपर में हो गया के डब्ल्यू, यहाँ सी, नीचे हो गया स्क्वायर रूट ऑफ, यही हुआ ना, ये इसको कट करेगा कि नहीं, ये इसको काटेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ सी यहाँ बचेगा, ये खत्म हो जाएगा, हाँ होगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के बी, यही हुआ फाइनली। सारे को एक साथ ले लेंगे, सी इंटू के डब्ल्यू बाय के बी, ठीक है, के डब्ल्यू पहले निकलते हैं, सी को बाद, ठीक है। आया हुआ समझ में, अब हम लोग जो है नेगेटिव लॉगरिथम ले लेंगे दोनों का, लॉग एच प्लस इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के डब्ल्यू सी बार के बी, है ना, दोनों तरफ अब स्क्वायर रूट है ना, इसको हम हाफ पावर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया पीएच हो गया ना ये, और उधर माइनस ये हाफ आ जाएगा, इधर हाफ लॉग
ये समझ में आया? ये स्क्वायर रूट के बदले हम इस पर पावर हाफ दिए, के डब्ल्यू इंटू सी बाय के बी, यही है ना, माइनस हाफ, अंदर में क्या आएगा, लॉग के डब्ल्यू मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा लॉग सी, यही के नीचे डिवीजन में है तो ये माइनस में चला जाएगा लॉग के बी, ठीक है। अब जो है सबको ये माइनस हाफ को अंदर कर देते, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ, माइनस हाफ को बाहर कर देते, ये हो गया माइनस लॉग के डब्ल्यू, इसको पहले ले लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना प्लस, ठीक है, ये माइनस और ये भी माइनस करना होगा तभी हम लोगों को के बी कर देते, ठीक है, लिखते हैं सर प्लस लॉग के बी और ये हो जाएगा माइनस लॉग, ठीक है। अब हो गया ये हाफ, ये हो जाएगा पी के डब्ल्यू, होगा ना, अब ये है लॉग के बी, माइनस रहता तब ना हम पी के बी लेते, तो अगर हम माइनस देंगे तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, प्लस को माइनस इंटू माइनस लिखेंगे ना, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे माइनस पी के बी, है ना, यहाँ माइनस प्लस को माइनस इंटू माइनस लिखेंगे तो एक माइनस यहाँ चला आएगा और एक माइनस इसके साथ चला जाएगा तो हो जाएगा पी के बी माइनस लॉग के बी, पी के बी होगा ना, और एक माइनस यहाँ लिखते हैं, प्लस को लिख सकते हैं ना माइनस इंटू माइनस, एक माइनस यहाँ रह गया और एक माइनस को इसके साथ दे दिए तो पी के बी होगा, ठीक है, और ये तो रह जाएगा लॉग सी, ठीक है। तो फाइनल जो हमारा आया पी एच इक्वल टू ये जो पी के डब्ल्यू है इसका वैल्यू कितना होता है 14 ना, माइनस पी के बी माइनस लॉग सी, तो फाइनल हो गया हमारा 7 माइनस पी के बी माइनस लॉग सी, ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया हमारे पीएच का, ठीक है, समझ में आया। तुम हाफ अंदर में लेकर के यहाँ पर भी एक्सप्रेशन को रोक सकते हो, यहाँ पर भी कंप्लीट करके रख सकते हो, अगर के डब्ल्यू का वैल्यू पी के डब्ल्यू वैल्यू नहीं बिठाना है तो यहाँ पर भी रोक सकते हो, आप बाहर रखिए, ये भी एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो अपने सुविधा के हिसाब से, ठीक है, ओके।